पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए तमाम आज लाहौर मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा इनका किया जा रहा है और इसके अवसर से भी हम पार्टी के चेयरमैन इमरान खान भी इंतजार करेंगे। इस जलसे की तैयारियाँ हैं तकरीबन आखिरी मरहाल में हम मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जहाँ ट्रैफिक के लिए बंद कर कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। इन कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि वो सिक्योरिटी इदारों का ये है कि कहते हैं कि वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से ये आबादी लोगों की हिफाजत के लिए ये कबल जो है कंटेनर लगाए गए हैं ताकि लोगों की किसी की हिफाजत की जा रही है। हम इसके साथ जो जलसे की तैयारियाँ की जाती है इसके ये पंडाल में तकरीब 50,000 जो है वो लगाई गई है और लोगों के बैठने के लिए इसके साथ साथ गैस का जो है 130 फुट जो है वो दौड़ा पाया गया है और उसके साथ साथ जमीन फुट की ऊंचाई जो है वो 20 फुट जो है वो बताई गई है। इस स्टेज पर तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद के बैठने की जगह बनाई गई है जिसके कायदे के बैठने की जगह के साथ साथ ये जैसा आज रात 9 बजे के बाद शुरू होगा और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कह रहे हैं तभी 10 बजे आगामी तकलीफ आई है। आवाम जो है इस वक्त इसको अधिक देर आनंद सरकार में आने शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त इससे पहले पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के जरिए तमाम पहला जो शो आवामी शो हुआ था वो पिशावर में हुआ उसके बाद कराची में शो बड़ा एक बड़ा शो हुआ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि तारीख का सबसे बड़ा और तीसरा शो है जो लाहौर में नकद किया जा रहा है।